ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए फ्रेश वीडियो और अपडेट के अंदर। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडिया से और फॉरेन से बहुत मेजर न्यूज़ आई। हमारे खुद के आरबीआई गवर्नर ने भी काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो है यहाँ पर बयान दी है, जिसको बिल्कुल गौर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही मेजर थिंग्स है। क्योंकि मेजर लोगों के द्वारा जब चीज़ें होती है ना तो वो काफ़ी दूर तक जाती है। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जोड़िए फॉलो करना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपने इंडिया से जो न्यूज आ रही है। हमारे आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांता दास जी ने जो है यहाँ पर काफी मेजर चीजें कही है। इनका कहना था कि नेक्स्ट क्राइसिस के अंदर जो है ना प्राइवेट क्रिप्टो पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। और इसका सिंपल सा अगर मैं पूरी बयान को देखूं जो वहां से एक निचोड़ निकलता है कि ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन जो चीजें हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो चीज ठीक है, बट जो प्राइवेट क्वाइंस है या फिर जो प्राइवेट आई थिंक प्राइवेट क्रिप्टो है, कहीं ना कहीं उसके आई थिंक खिलाफ इन्होंने बोला है, कहीं ना कहीं कहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लाइक दैट उन्होंने एग्जांपल भी दिया है एफटीएक्स के बारे में, जिस तरह से एफटीएक्स कोलैप्स हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये तो डर तो होना ही था भाई। पहले लूना फिर एफटीएक्स, बड़े बड़े लेजेंडरी प्रोजेक्ट जब मार्केट से ध्वस्त हो जाएंगे इस तरह से एक से दो दिन के अंदर, तो भाई लोगों का कंसर्न तो बनेगा, कोई शक नहीं। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है और यही चीज से निकल के आती है। हाँ, यहाँ पर आप अगर डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो की बात करते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो प्राइवेट क्रिप्टो है तो उसके लिए यहाँ पर काफी बड़ा यहाँ पर बयान दिया गया है। हालांकि देखते हैं, और भी अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज कोई अपडेट आएगी तो हम जरूर अपने चैनल के थ्रू टेलीग्राम के थ्रू जरूर आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ भैया इकोनॉमी पर पीटर स्किफ ने बहुत बड़ी यहाँ पर वार्निंग दी है। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो होल्डर के लिए कि भैया बिटकॉइन की जो ये क्राइसिस है ना, ये अभी खत्म नहीं हुआ। ये बिटकॉइन जो क्रैश हो रहा है ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बड़ी बड़ी क्रैश बची हुई है और ये तब तक होता रहेगा जब अदर फाइनेंशियल एसेट्स जो है रिकवर न करे, रिबाउंड न करे, तब तक यहाँ पर बिटकॉइन भी नहीं संभलेगा। अभी आप देख सकते हो फॉरेक्स मार्केट भी ध्वस्त है, जब तक वो रिकवर नहीं करेगा जब तक भैया आप क्रिप्टो को सोचोगे कि बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही होने वाला है। तो मेक श्योर, ये काफी बड़ी यहाँ पर न्यूज थी और एक तरह से देखे तो बिल्कुल सही कहना भी था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है फ्लॉकी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भैया हम जो है मेटावर्स गेमीफाई रिलीज करेंगे 23 दिसंबर को, जो कि अमेजिंग है। जी हाँ दोस्तों, पूरा डिटेल जो है ना हम दूसरे चैनल क्रिप्टो इनकम पे शेयर कर देंगे, तो मेक श्योर वीडियो को जाके जरूर वहां पर देखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों चौथी और बड़ी न्यूज की बात करते हैं, तो भैया वोल्ट इनु ने यहाँ पर पार्टनरशिप किया है किसके साथ, लकी रो के साथ। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक बेटिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप क्रिप्टो कैसीनो स्पोर्ट्स सभी के अंदर आप बेटिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है, वोल्ट इनु भी अच्छा काम कर रहा है, तो इसके ऊपर जरूर नजर बना के रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बिटकॉइन एक्सचेंज की, जहां पर बेबी डॉजकॉइन की लिस्टिंग अनाउंसमेंट हो चुकी है। अनाउंसमेंट क्या हुई यार, लिस्टिंग कंप्लीट कर दी जा चुकी है, आप जाके वॉच आउट कर सकते हो, बाय कर सकते हो अगर आपको करना है। बिटगॉट एक्सचेंज के ऊपर डायरेक्टली आपको इजीली यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फाइनल लास्ट जो कि आ रही है बीबी डॉजकॉइन की तरफ से। जी हां दोस्तों, लास्ट 24 आवर के अंदर 7 ट्रिलियन से ज्यादा टोकन बर्न हुआ है, जो कि ठीक ठाक है, कोई ज्यादा बड़ी तो नहीं है, 10 ट्रिलियन से पहले ज्यादा ही होता था, अभी 7 ट्रिलियन, लेकिन फिर भी यार बर्निंग तो हो रही है। मैनुअल बर्निंग आने ही वाला है, नेक्स्ट मंथ यहाँ पर बर्निंग होगा, तो देखते हैं कितना क्वाट्रिलियन टोकन बर्न होगा। बाकी दोस्तों ये कुछ न्यूजेस थी, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आशा करते हैं वीडियो और ये न्यूज आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक करना। पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जोड़िए फॉलो करना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इमीडिएटली अपडेट चाहिए, रेगुलरली अपडेट चाहिए, वो मैं हमेशा शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम के थ्रू, तो वहां पर जाके जरूर ज्वाइन हो जाना, छोटी छोटी न्यूज़ वहीं पर मैं शेयर करता हूँ। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट में, आज कितना ही, जय जय भारत, वंदे मातरम।